हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली कमोडिटीज। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले 4 जून के कमोडिटी मार्केट रिलेटेड आज जो भी न्यूज है, जो टॉप 3 न्यूज है वो हम उसको डिस्कस करने वाले। उसके हिसाब से आप नेक्स्ट वीक किस तरह की प्लानिंग कर सकते हो, कौन सी कमोडिटी में किस तरह का ट्रेड ले सकते हो, तो वो भी हम जानेंगे इसी वीडियो में। सो अगर आपने अभी तक डेली कमोडिटी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए हर दिन कॉमोडिटीज, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल एज वेल एज गोल्ड या फिर गोल्ड गिनी की जो भी फ्यूचर्स होते हैं मार्केट में किस तरह से ट्रेड हो रहे हैं और आप कौन सी पोजीशन बना सकते हो, तो वो सब हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं। सो चैनल से जरूर जुड़िए रहेगा और उसके साथ साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक ऑन कर दीजिएगा, जस्ट बिकॉज आपको पता होना चाहिए जैसे ही नेचुरल गैस या फिर कोई भी कॉमोडिटी के रिलेटेड हम जैसे ही वीडियो डालते हैं उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा सा मौका आपको देखते हुए मिलता है। सो आप वीडियो को जल्दी देखोगे तो उसके कारण आपको जल्दी ट्रेड लेने के एग्जीक्यूशन के जो चांसेस होते हैं वो थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो एज ऑन 4th June 2021 कॉपर प्राइस जंप्स एज इन्वेस्टर्स लेफ्ट इन्वेंटरी एट लो लेवल डॉलर स्लिप्स। सो डॉलर के अंदर प्राइस के अंदर जरूर आपको गिरावट देखने को मिली है, बट जिस तरह से हमने आज एनालिसिस किया था कि एक अच्छे से प्राइस लेवल पर आकर गिर चुका है, अच्छे से सपोर्ट पे कॉपर का प्राइस था, फ्यूचर्स के जो प्राइस हमने क्लियरली आज देखा था उसमें आप देख सकते हो कि अच्छा सा अपट्रेंड बाइंग के साइड पे अच्छा सा अपट्रेंड आपको जरूर देखने को मिला है। सो ये बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव न्यूज हो सकती है, कॉपर के अंदर फिर से प्राइस बढ़ने चांसेस हो जाते हैं। सेकेंड न्यूज इज गोल्ड प्राइस डिक्लाइन फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव डे टू ₹48,578, दैट इज 10 ग्राम पर, दैट इज डाउन 0.16% इन द वीक सिल्वर स्लम्प्स। सो एज ऑन जैसे ही गोल्ड की प्राइसेस मार्केट में डाउन हो रहे हैं उसी के चलते चलते सिल्वर का प्राइस भी नीचे गिर रहा है, बट इंपॉर्टेंट क्या, जिस तरह से कॉपर प्राइस के अंदर भी एक अच्छा सा लेवल पर रखे, एक अच्छा सा बाउंस बैक जरूर दिया, उसी तरह के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि गोल्ड की प्राइस भी एक अच्छा फिर से बाउंस बैक जरूर देंगे, बट जिस टाइम बाउंस बैक देंगे उस टाइम आपको एक अच्छा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट आपको जरूर देखने को मिल सकता है। एंड द थर्ड न्यूज इज कमोडिटीज टंबल एज यूएस डॉलर रिकवर्स ऑन इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म। सो अभी मार्केट में जिस तरह से न्यूज चल रही है, मार्केट में कंडीशन दैट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली, दैट इज पेंडेमिक की सिचुएशन भले है बट मार्केट में बहुत जगह पे अच्छी तरीके से वो सिचुएशन बनी हुई है और उसके साथ में बहुत जगह पे लॉकडाउन अभी भी है, जस्ट एज ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो एज ऑन उसके कारण जो यूएस डॉलर का जो प्राइस है उसमें भी बहुत ज्यादा फोकस और फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रहा है, उसके कारण कॉमोडिटी प्राइस के अंदर भी आपको बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। सो अगर आप कोई भी कॉमोडिटी में निवेश करते हो तो आपको फॉरेन का जो जिस तरह से कमिटमेंट चल रहा है कि समझ लो फॉर एग्जाम्पल अगर समझ लो डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो गोल्ड का प्राइस भी बढ़ता है, सो आपको वॉच आउट करना पड़ेगा कि डॉलर का प्राइस कितना स्ट्रॉन्ग ऑन एन इंटरनेशनल मार्केट। सो होप करता हूं कि आज की दैट इज 4th जून की कॉमोडिटी मार्केट रिलेटेड जो भी आज की न्यूज है वो हमने अच्छे से कवर कर ली होगी, जो भी इंपॉर्टेंट होती है वो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप रोज कॉमोडिटी मार्केट रिलेटेड जो भी न्यूज जो हम कवर करते हैं वो अगर आपको जाननी हो तो डेली कॉमोडिटी को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय।